कुरवाई विधानसभा की अनेकों समस्याओं को लेकर तहसील परिसर पहुंचे प्रदीप अहिरवार। प्रदीप अहिरवार ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी अंजलि शाह को ज्ञापन सौंपा है। प्रदीप अहिरवार ने ज्ञापन से पूर्व अपने समर्थकों के साथ तहसील परिसर में पहुंचकर भाषण देते हुए कहा कि कुरवाई विधायक एवं अनुविभागीय अधिकारी की मिलीभगत से ही कुरवाई में रेत का अवैध उत्खनन अपनी चरम सीमा पर है। अनुविभागीय अधिकारी एवं विधायक पर आरोप लगाते हुए यह तक कहा कि अवैध उत्खनन में बराबरी की हिस्सेदारी रहती है, इस कारण से वह अपने एसी रूम से बाहर तक नहीं आती, इसलिए कुरवाई में खुले आम ट्रैक्टर ट्राली और डंपर से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। प्रदीप जी, आज आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आपने आज ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल के नाम, किस संबंध में आपने ज्ञापन आज सौंपा है? देखिए, क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से क्षेत्रवासी जूझ रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से जो कोठा बैराज डैम बन रहा है उसमें सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा जमीन सरकार अधिग्रहित कर रही है, लेकिन जो मुआवजा राशि है, मुआवजा राशि जिस तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि रोड जाता है तो एक बीघा के 40 लाख, अगर सड़क निकल जाए तो 80 लाख, लेकिन यहाँ डैम बन रहा है और डैम बनना चाहिए, डैम का विरोध किसान भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मुआवजा राशि किसानों को मिलनी चाहिए वो बहुत ही कम है। क्षेत्रीय किसानों का कहना है कि जिस कोठा बैराज जो डैम बन रहा है उसमें कई किसान ऐसे, उनकी अधिग्रहण तो की गई जमीन पर पानी उनको नहीं मिल पाएगा उस डैम का। नहीं, ये भी गंभीर समस्या, ये भी मैंने लिया है कि भाई जमीन तो आप ले रहे हो लेकिन उनके पाइपलाइन जो सिंचाई पाइपलाइन डल रही है उन किसानों के खेत में भी नहीं जा रही जिनकी जमीन अधिकृत की जा रही है। ये समस्या मैंने आज ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महोदय को पहुँचाने का काम किया है। अगर ये समस्याएं जल्द से जल्द इनका समाधान नहीं होता तो निश्चित रूप से किसानों के साथ हम क्या, एक बहुत बड़ी समस्या है, जमीन के अधिग्रहण में मुआवजा राशि सही नहीं मिली है किसानों को, और इस पर अधिग्रहण के साथ साथ चल भी रहा है कि डैम की हाइट भी बढ़ा रहे हैं। हाँ, डैम हाइट बढ़ेगी तो और गांव डूब में आ जाएंगे और गांव अपने और किसान अपनी जमीन से हाथ धो बैठेंगे, तो 1.5 फीट हाइट का भी अभी कुछ किसान साथी बता रहे थे और 1.5 फीट हाइट बढ़ाने का चल रहा है प्रशासन की ओर से, तो इस पर भी हम लोग किसानों के बीच में चर्चा करेंगे। और आपकी मांगे नहीं मांगी गई तो मानी, और निश्चित रूप से मांग नहीं मानी गई तो मैं हजारों किसानों के साथ बैराज पर खुद जल सत्याग्रह करूंगा। और क्या मांग है आप? और मांग है यहाँ पर जो अवैध उत्खनन हो रहा है, शिवराज सिंह चौहान बड़े बड़े मंचों से कहते हैं मैं जमीन में गाड़ दूंगा, मैं फला कर दूंगा, ढिमका कर दूंगा, लेकिन चूंकि ये शिवराज सिंह चौहान का खुद का गढ़ है, खुद का गृह जिला विदिशा है, विदिशा ने उन्हें हमेशा प्यार दिया है, विदिशा की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, सांसद हो या स्वयं शिवराज सिंह चौहान हो, इस ओर ध्यान नहीं दे रहा कि कुरवाई की जनता किस तरीके से प्रताड़ित है और किस तरीके से उनका जीवन यापन हो रहा, रोजगार का या कोई साधन नहीं है, कोई उद्योग धंधे नहीं, समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो क्या? निश्चित रूप से ये आंदोलन हम लोग धीरे धीरे करके इसको बनाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है चुनाव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।